हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में रिपीट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहां पे दिख रहा है कि मैं यहां पे एग्जांपल के लिए एक डेटा लेके रखा हूं और यहां पे अभी हम लोग रिपीट फार्मूला को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एमएस वर्ड और रेटिंग दिया हुआ है उसका 3 और यहाँ पर हमको स्टार शो कराना है। तो कैसे हम लोग कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला सेट करेंगे इज इक्वल टू रिपीट। रिपीट लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा REPT लिखा हुआ है, उसी को हम लोग रिपीट बोलते हैं। रिपीट फार्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है टेक्स्ट, दूसरा पूछ रहा है नंबर टाइम्स। तो टेक्स्ट में आपको क्या डालना है, तो आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में स्टार डाल देना है। यदि आपको स्टार डालना है तो आप डाल दीजिए, उसके बाद कॉमा देना है। कितना बार रिपीट होगा, तो 3 बार होगा। तो इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है और क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 बार स्टार ऑटोमेटिक आ चुका है। यदि इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो चुका है, सब में स्टार आ चुका है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब में आपको स्टार दिख रहा होगा। यदि आपको स्टार की जगह कुछ और शो करना है, जैसे कोई सैम्पल शो करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग आ जाएंगे इंसर्ट टैब पे। और इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपको राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है, आपको सैम्पल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सैम्पल पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे ढेर सारा सैम्पल दिखेगा, आपको इसमें से जो लेना है आप ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम स्टार वाला ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पे फोन टैप चेंज करिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम वेंडिंग्स लेते हैं, वेंडिंग्स लेने के बाद जैसे हमको यहाँ पे शो कराना है ये वाला स्टार, स्टार ले लिए और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार आ चुका है, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। इस स्टार को हमको करना क्या है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूला में आना है और जहाँ पे हम लोग ये वाला स्टार यूज किए थे वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो हमको फॉन्ट को मैच कराना है, तो कैसे हम फॉन्ट को मैच कराएंगे, तो आपको करना क्या है, होम टैब पे आना है और जहाँ पे हम लोग कैलिब्री यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्री पे क्लिक करना है। और फॉन्ट का नाम क्या था, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको फिर से सैम्पल में आना है। सैम्पल में आइए आप, और सैम्पल में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सा फॉन्ट था, वेंगडिंग्स। तो आपको याद रखना है वेंगडिंग्स फॉन्ट। और आपको यहाँ पे होम में आकर के पहले तो आप पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें जिसमें आपको निकालना है। तो पहले हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से इस फॉर्मूला को पहले नीचे तक ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद आपको सबको सेलेक्ट कर ले रखना है और यहाँ पे कैलिब्री पे लिखना है वेंगडिंग्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा WING, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा वेंगडिंग्स। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस पूरे फॉर्मूला को और यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए WING वेंडिंग। जैसे ही लिखिएगा तो जो स्टार आप चूज़ किए थे वो स्टार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपका फ़ोन कौन था, कैलिब्री था। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे फार्मूला एडिट करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला नहीं दिखेगा, आपका वेंडिंग्स फ़ोन दिखेगा। तो आपको इसको जैसे फार्मूला चेक करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से फ़ोन, जैसे ही आप कोई दूसरा फ़ोन लीजिएगा तो वो फार्मूला आपका शो होने लगेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी मेरा फार्मूला शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला शो करा सकते हैं। रिपीट फार्मूला और क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं रिपीट इज इक्वल टू रिपीट, और रिपीट लिखने के बाद जैसे हमको एमएस वर्ड को 5 बार या 3 बार लिखना है तो एमएस वर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देंगे। यदि हमको 3 बार लिखना है तो 3 देके क्लोज ब्रैकेट देंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, 3 बार मेरा एमएस वर्ड लिखा चुका है। तो इस प्रकार से भी आप रिपीट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर बहुत सारा दिया हुआ है और हमको करना क्या है कि यहाँ पे बीच में जो हाइपन है इस हाइपन को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट फार्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है, यहाँ पे आपको क्या हटाना है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइपन, तो आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना है हाइपन। हाइपन लिखने के बाद फिर से कॉमा देना है और न्यू उस जगह पे आपको क्या डालना है, तो उस जगह पे हमको डालना है ब्लैंक। तो डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार दे देंगे और जैसे ही यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, ब्लैंक हट चुका है। जैसे फिर से हम यहाँ पे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और कॉमा दे के ओल्ड टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं हम लोग क्या, हाइपन। और फिर न्यू टेक्स्ट के अंदर लिखना है क्या, डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार लिखना है स्पेस के लिए और कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज़ दिख रहा है, इंस्टेंस। इंस्टेंस नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम 1 लिख के क्लोज ब्रैकेट देते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि फर्स्ट वाला जो मेरा है वो हट जाएगा, बाकी मेरा रहेगा। यदि आपको सबको हटाना है तो सबको हटाने के लिए आप करिए क्या कि लास्ट में कुछ लिखिए ही नहीं, लास्ट में आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इंस्टेंट को
और इंटर करिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सबका निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग बीच का हाइपन को हटाएंगे, या फर्स्ट वाला खाली हटाना है तो फर्स्ट वाला खाली कैसे हटाएंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिटी दिया है और उसका पिन कोड दिया है। तो आपको करना क्या है कि सिटी के जो बाद में यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है उसके बाद पिन कोड लिखा है, तो यहाँ पे हमको हाइपन डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे फार्मूला डालेंगे सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट डालने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है। ओल्ड टेक्स्ट में आपका आ जाएगा कॉमा और फिर न्यू टेक्स्ट में आपका आ जाएगा हाइपन। तो न्यू टेक्स्ट में हम लोग हाइपन डाल देते हैं और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, जहाँ पे मेरा कॉमा दिया हुआ था वहाँ पे मेरा हाइपन आ चुका है। हम डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मेरा था सिटी और उसका पिन ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो चुका है, सही हो चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज करते हैं। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग रिपीट फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे सब्स्टिट्यूट फार्मूला को यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।